नमस्कार, सर्चिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका भाई चीपक चौरसिया और मैं आपकी चटपटी। थक गया सलाज। तो चलिए हम आज उन हस्ती से बात करवाते हैं जो झूठ और फ्रेब में माहिर है, मिस्टर लल्लू। तो मिस चटपटी, हम अगला कॉलर लेते हैं। हाँ हाँ, तो लीजिए ना अगले कॉलर को, हमने कब मना किया है। आई हाई, तो ठीक है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन? जी मैं सर्चिंग न्यूज से चीपक चौरसिया। नमस्कार। नमस्कार चीपक जी। तो आइए लल्लू जी, बेइज्जती न्यूज में। क्या? सॉरी, मेरा मतलब है सर्चिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। हाँ। क्यों, मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ क्या? गलत शब्द न्यूज पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सॉरी, मेरा मतलब मैं जवाब क्यों दूँ? क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और मेरे सवालों का, यानी कि हमारे सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। था कर्तव्य, मेरा मतलब है पूछिए क्या पूछना है। तो क्या आप किसान हैं? जी। तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का सुन लो जी, जो 4 नंबर का बिजनेस है वो गड्ढे में 25-35% चल रहा है। What? और बिना गड्ढे के 60-70% चल रहा है। और जो 3 नंबर का व्यापार है वो 12-15% चल रहा है। और जो 2 नंबर का व्यापार है वो तो खसक रहा है, खसक रहा है। ब्रेकिंग न्यूज लल्लू जी, क्या आप ये मानते हैं कि आप 2 नंबर का बिजनेस भी करते हैं और गलत आदमी भी? खमस बकलोल कहीं के। मिस्टर लल्लू, आपको एक न्यूज वाले से बात करने की तमीज नहीं है? न्यूज वालों को भी तो पब्लिक से बात करने की तमीज होनी चाहिए। तो हमने क्या गलत सवाल कर दिया आपसे? आप एंकर हो या टैंकर हो? अरे? आपने मुझसे सवाल किया आप किसान हो, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। चौरसिया साहब, आपने कभी गांव देखा भी है? किसान की खेती बारी होती है, बिजनेस नहीं। अच्छा अच्छा, ओफो, इसे तो सब पता है। लल्लू से पंगा लेता। अरे हेलो हेलो लल्लू जी, क्या हुआ? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अरे कुछ तो बोलिए। अरे मैं गिर गया। ब्रेकिंग न्यूज, आखिरकार लल्लू जी ने मान लिया कि वो हमारे नजरों से गिर चुके हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, गिरे हुए इंसान चीपक चौरसिया से बात नहीं कर सकते। अरे चुप भकलोल, हम चलते चलते गिर गए, तुम न्यूज वाले तिल के तार बना देते हो। तिल का तार? सर क्या तिल का तार बनता है? तो लोहे तांबे का? सॉरी, गलती से ब्रेकिंग न्यूज समझ लिया। अरे फोन पे सवाल करना बड़ा आसान है स्टूडियो में बैठकर, कभी हमारे घर पर भी आके हमसे सवाल करो,
तब पता चले। हाँ? तो ठीक है लल्लू जी, कल हम आपके घर आते हैं। ठीक है, आइए। नमस्कार। नमस्कार, आज बेटा। लल्लू जी ने गलत पंगा ले लिया, चलिए हम सबक सिखाएंगे। रहा भैंसा उधर, लल्लू जी नमस्कार। नमस्कार। ओ जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। लल्लू जी धन्यवाद। है? है? ये क्या, आप लोगों ने मुंह क्यों छुपा रखे हैं? अरे लल्लू जी कोरोना। हाँ। ये क्या बोल रही है, कोरोना? मजा आ जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? अरे अभी आप ही ने तो बोला करो ना। वहाँ जाके बैठो। मुझे क्या है, मैं इस पे आके बैठ जाऊंगा? अरे चटपटी, ये तो तू से चिपक गया। ये तो एकदम से बदल गई। अरे हमने कहा कोरोना वायरस की वजह से मुंह छिपा रहे हैं। हा? और चिपक जी, और हम ही नहीं सारी दुनिया इस वायरस की वजह से मुंह छुपा रही है। अरे हाँ लल्लू जी। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने कुछ और समझ लिया। अरे सब छोड़ो लल्लू जी, पहले ये बताओ इस चीन ने दुनिया से पता नहीं क्या क्या करवा दिया। जो अमेरिका टॉयलेट करने के बाद पोछा करता था पेपर से, वो आज पूरे दिन हाथ धोने में लगा रहते है। इस चीन ने चार आदमी को एक साथ बैठने लायक नहीं छोड़ा। ब्रेकिंग न्यूज, चिपक जी अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अबे बाबली लौंडिया, अपने ब्रेकिंग पे ब्रेक लगा। मेरे कहने का मतलब है चार आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते। हाँ ठीक ठीक है सर, मैं समझ गई। अब इंटरव्यू शुरू करें? हाँ। अच्छा लल्लू जी, एक बात बताइए, आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, कोरोना के बारे में या वायरस के बारे में? हाँ? अरे लल्लू जी, आप कोरोना के बारे में बताइए। कोरोना? कोरोना तो ये घातक बीमारी है। अबे भैंसे। अच्छा तो लल्लू जी, आप वायरस के बारे में बताइए। वायरस? ये तो बहुत घातक बीमारी है। लॉकडाउन के बारे में आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, लॉकडाउन के बारे में? कौन से सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? चलिए आप केंद्र सरकार के बारे में बताइए। केंद्र सरकार से? अच्छा, केंद्र सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। अच्छा तो आप राज्य सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार के बारे में, उनसे तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी लॉकडाउन जारी रखें। तो किस भैंसे से टकरा गया? अच्छा तो आप हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा हॉस्पिटल? अरे हॉस्पिटल भी अलग अलग होते हैं क्या? हाँ होते हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट। तो ठीक है, आप सरकारी हॉस्पिटल के बारे में बताइए। अभी सारे सरकारी हॉस्पिटल सारे के सारे कोरोना के मरीजों से हाउसफुल है। अच्छा तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल, वो तो सारे के सारे फुल है। अच्छा तो लल्लू जी, आप कोरोना के दवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दवा बनेगी या नहीं? कौन सी दवाई? अरे कोरोना की दवाई और कौन सी दवा यार? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, देसी दवा या अंग्रेजी दवा? हाँ? तो आप अंग्रेजी दवा के बारे में ही बताइए। अच्छा अंग्रेजी दवाई? अरे हाँ। अंग्रेजी दवाई अभी बनने में बहुत समय लगेगा। और देसी दवा?
देसी दवाई, देसी दवाई अभी बनने में बहुत समय लगेगा। और चिपक जी, चार ही सवाल में चिपक गए। हम तो एक ही न्यूज आपका 24 घंटे देखते हैं। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूं ना?